देखिए, एक होता है फैमिली ड्रामा और एक होता है क्राइम शो, लेकिन अगर एक ही शो में इन दोनों का मजा मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स कुमकुम भाग्य। जी हाँ, कुमकुम भाग्य अब बन चुका है क्राइम पेट्रोल। मजाक नहीं कर रहे, आप देख लीजिए, आप भी मान जाएंगे। अभी तो रिया की चाल फेल हो गई थी, लेकिन देखिए, इसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर आलिया के साथ मिलकर उसने फिर से कुछ प्लान कर लिया है। प्लान ये कि धरती यहाँ से वहाँ हो जाए। रणबीर को तो वो अपना बनाकर ही दम लेगी और इसमें उसका साथ हमेशा की तरह आलिया दे रही है। न जाने कहां से आलिया को एक ऐसी दवाई मिल गई है जिसका नशा प्राची और रणबीर का रिश्ता तोड़ सकता है। जी हाँ, भांग में कुछ ऐसी ही गोलियां मिलाने वाली है रिया और आलिया। ये देखिए, मौके के फिराक में है। जहाँ उसे मौका मिला, मौके का पूरा फायदा उठाया और फिर क्या, रणबीर तो झूमने लगा। अब खाने के बाद क्या हुआ है, रणबीर हो गया है बहुत ज्यादा नशे में। रणबीर कभी प्राची के साथ डांस करता तो कभी अपने पापा और मम्मी के साथ। रणवीर को नशे की हालत में देखकर रिया अंदर ही अंदर खुश हो रही है, क्योंकि वो जानती है कि अब उसका मकसद पूरा होने वाला है। हाथों में कुछ मैजिक दवाइयां हैं और ठंडाई भी है, तो बस इन दोनों का मिलन जब होगा तो फिर बहुत मजा आएगा। अब प्राची इन सब से अनजान है, लेकिन भोलेनाथ है ना, जो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। प्राची का साथ वो जरूर देंगे। होगा तो सब सीधा सीधा, उल्टा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन देखना ये होगा कि कैसे सीधा होता है और कैसे उल्टा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।